please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नीतीश कुमार के बिहार में फर्जी तरीके से असली डिग्री देने के खेल की प्रशासन को भनक नहीं। क्या बिहार इंजीनियरिंग और पीएचडी जैसी डिग्रियों को मुंह मांगी कीमत पर बांटने वालों को पकड़ा जाएगा, कोई कार्रवाई होगी? और अपने राज्य से दूसरे राज्यों की ली जा रही डिग्री असली है या नकली है, इस पर लगाम कैसे लगाई जाएगी? बिहार सरकार कब इस पर लगाम लगाएगी? मुद्दा गर्म है क्योंकि न्यूज 18 इंडिया के स्टिंग ऑपरेशन में इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। इसमें पैसे देकर आप कोई भी डिग्री ले सकते हैं, वो भी बिना पढ़ाई किए और बिना परीक्षा दिए। यही नहीं, सालों में हासिल होने वाली डिग्रियों को आप कुछ महीनों में हासिल कर सकते हैं। हद तो तब हो जाती है जब आरटीआई के जरिए आप अपनी डिग्री को सही साबित कर सकते हैं और ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर इसे जांच भी सकते हैं। और खास बात यह है कि ये डिग्रियां बिहार के बाहर यानी कि राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटीज की मिलती है, यानी कि फर्जी तरीके से असली डिग्री का खेल चल रहा है बिहार में। हम लोग यहाँ मैट्रिक इंटर से शुरू करते हैं, पीएचडी तक की कोर्सेज होती है। आप बताइए कि क्या करना चाह रहे हैं? क्या चाहते हैं आप? से हम डिप्लोमा में चाहते हैं, सिविल में। सिविल मैट्रिक कब किए? मैट्रिक बहुत पहले किए हैं। तो ये डिग्री लेके क्या कीजिएगा आप लोग? प्राइवेट में जॉब करेंगे। प्राइवेट में जॉब कीजिए? इतना है तो प्राइवेट। और बीएमए बीकॉम एमकॉम सब होता है, मैट्रिक इंटर बीटेक भी करवाते हैं। हिमालयन यूनिवर्सिटी है। अच्छा, हिमालयन यूनिवर्सिटी। ये है अरुणाचल प्रदेश में और एक है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर टेक्निकल। अच्छा अच्छा, लेकिन बेस्ट इसमें सनराइज है। सनराइज है कहाँ पे है? अलवर में है, राजस्थान में। अलवर बोलिए ना, अलवर। हम लोग उतना दूर नहीं जा पाएंगे। अरुणाचल प्रदेश जा पाएंगे? वही ना, आपको जाने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं जाने की जरूरत है, यहीं से सारा काम आपका हो जाएगा। अच्छा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप सनराइज यूनिवर्सिटी से कीजिए। फीस इसकी है 1.25 लाख। सर प्रोसेस इसका बताते हैं ना। प्रोसेस ये है सर कि जिस दिन आप एडमिशन लीजिएगा, ठीक है ना, उसके बाद आप फीस जमा कीजिए, उसके बाद आपका काम हम लोग यूनिवर्सिटी में भेजेंगे। यूनिवर्सिटी से सब काम होगा, आपको मार्कशीट मिल जाएगा। एग्जाम तो मतलब नहीं देना पड़ेगा, मैंने लिखना नहीं देना पड़ेगा। मतलब काम अभी जो कर रहे हैं कर सकते हैं ना? जो काम आप कर रहे हैं कीजिए। अच्छा अच्छा, आपको डिग्री मिलेगी उसका अपना लगा दीजिएगा, प्रमोशन हो जाएगा। मतलब बैक जेट में भी मिल जाएगा? बैक जेट में आपको मिल जाएगा। बैक जेट में मिल जाएगा ना? 13 से 16 के बीच में मिल जाएगा। 13 से 16 या 14 से 17। 80% एडवांस दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, 20% काम होने के बाद। नहीं, ये तो मार्केट में चर्चा इसकी होती है इस तरह की डिग्री की, लेकिन बिहार में से ज़्यादा ये दूसरे प्रदेशों में ज़्यादा चल रहा है। आपने बताया हमको और हमने देखा भी उसको, तो आज हम ऑफिस जाते हैं, प्रधान सचिव को बुला करके सारी बात उनसे डिस्कस करते हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को, चूँकि बिहार में अब ये सब चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त करने की चीज़ नहीं है, और बिहार में बिल्कुल सर। लेकिन एक सवाल ये है, कहीं पर किसी स्टेट में हो, किसी स्टेट में हो, बिहार के आप शिक्षा मंत्री हैं, आप यहाँ पे चल रहा है, बिल्कुल विवेक, किसी भी स्टेट में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन ये पटना में ये खेल हो रहा है और ईटीवी लगातार इस खेल का खुलासा कर रहा है, और अब बिहार का आप शिक्षा मंत्री, अगर आप ये कहेंगे दूसरे स्टेट में चल रहा है या इसलिए यहाँ भी चले, कोई बात नहीं। नहीं, दूसरे स्टेट में इस तरह की संस्थाएं ज़्यादा चल रही हैं। लेकिन सर ये खुलासा तो बिहार सर्टिफिकेट का इस्तेमाल तो यहाँ होता है। बिल्कुल, तो इसलिए हम इस पर आज इस बात को बहुत गंभीरता से हमने लिया है, अधिकारियों के साथ हम बैठक कर करके और तुरंत इस पर कोई ना कोई कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं, और कार्रवाई होगी हम आपको आश्वस्त करते हैं। तो सुना आपने, ये शिक्षा मंत्री की सफाई ही कहेंगे। शिक्षा मंत्री कृष्णानंद वर्मा, जिन्होंने पहले तो ये बात कही कि नहीं, ये बिहार से ज्यादा दूसरे राज्यों में होता है। फिर उसके बाद उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं था कि इस तरह का कोई खेल यहाँ पर चल भी रहा है। 11 साल से सरकार है, लेकिन अभी तक शिक्षा मंत्री को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। हालांकि इसी को अगर देखा जाए तो पिछले दिनों जब शिक्षा विभाग की तरफ से लोग निकाले गए थे, तो सवाल यह है कि क्या उनका भी लिंक कहीं इस फर्जी डिग्री से ही तो नहीं था? अगर था तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों शिक्षा विभाग को इस बात की जानकारी नहीं है कि बिहार में इस तरह का फर्जीवाड़ा चल रहा है, काफी लंबे समय से चल रहा है? सवाल ये कि क्या इसमें कोई बड़े अधिकारी शामिल हैं, क्या इसमें दूसरे राज्य के लोग भी शामिल हैं या नहीं?
चंद्रमोहन इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ पटना से। चंद्रमोहन, क्या शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री को इसकी जानकारी है ही नहीं, क्या कर रही है वहां पर सरकार? बिल्कुल, देखिए नीतीश सरकार को आए हुए तकरीबन 11 साल हो गए और हमेशा जब भी चुनाव आते हैं तो साफ तौर पर नीतीश कुमार ये ज़रूर ऐलान करते हैं कि इस बार शिक्षा व्यवस्था जो है वो दुरुस्त की जाएगी। साथ ही कई बैठकें होती हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंग की जाती है, शिक्षा विभाग का लगातार मीटिंग चलता है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि बिहार में आखिर किस तरह से शिक्षा को लेकर खिलवाड़ किया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बिहार में मानव संसाधन की बात हो रही है, लेकिन जो ये जिस तरह से डिग्री का खुलम खेल सामने आया है और जो तस्वीरें सामने आई वो दिखा रही हैं कि ये मानव संसाधन के विकास का नहीं बल्कि कहीं ना कहीं युवाओं को विनाश की ओर यह तस्वीरें लेकर जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब से लगभग 4 साल पहले शिक्षकों की बहाली हुई थी जिसमें हजारों शिक्षकों को फर्जी डिग्री के आधार पर निकाल दिया गया था, लेकिन क्या सरकार उन डिग्रियों को जांच कराने की कोशिश क्यों नहीं की कि आखिर ये डिग्रियां आई कहां से थी और किस तरह से इनके पास डिग्री पहुंची, इसको लेकर कार्रवाई क्यों नहीं? रवि एस नारायण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, कितने समय से खेल चल रहा है ये? ठीक है, पटना में ये जो गोरख धंधा है वो कई सालों से चल रहा है, कह दूं कि अगर ये बिल्कुल 10 सालों से भी ज़्यादा समय से ये चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो पटना के जो पॉश इलाके हैं जहाँ पे सारे मंत्री बैठते हैं, पुलिस महकमा बैठता है, वहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पे जो है वो पटना में पूरा खेल चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पटना में ये सैकड़ों की तादाद में, ये चौंकाने वाली बात है कि सैकड़ों की तादाद में जो ये सेंटर खुले हुए हैं और आगे में जो उनकी बोर्ड लगी होती है वो कंसल्टेंसी की बोर्ड होती है, लेकिन अंदर में जो है वो पूरी मंडी सजी हुई है, पूरा बाजार सजा हुआ है कि आप पैसे दें और कोई भी डिग्री जो है वो लेकर के जाएं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो डिग्रियां देते हैं उनका जो दावा है वो दावा ये करते हैं कि आप RTI लगा लें, आप किसी भी स्तर से यूनिवर्सिटी में जांच कर ले, ऑनलाइन जांच कर ले, कहीं से भी वो जो है वो फर्जी नहीं निकलता है। और RTI का खेल इसमें क्या है, ये भी समझाएं जरा। रेगुलर डिग्री, ये भी समझाएं कि RTI का खेल क्या है, क्योंकि RTI लगाई जाती है तब भी डिग्री वहां पर मिल जाती है, तो क्या खेल है, किस तरीके से ये पूरा रैकेट चलता है? देखिए, ये जो पूरा एक सिंडिकेट जो है वो हमारे और आपके सोच से भी बहुत गहरी बैठी हुई है कि यहाँ पे पटना में जो बैठे जो लोग हैं वो यूनिवर्सिटी से सीधे कनेक्ट होते हैं और कई यूनिवर्सिटियाँ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं वो बिहार से बाहर वो डिग्रियाँ देते हैं और इनका जो दावा है उसके अनुसार जो है बैक डेट से यूनिवर्सिटी में उनको रोल नंबर दिया जाता है, उनका इनरोलमेंट नंबर दिया जाता है, उनके मार्कशीट चढ़ाए जाते हैं और पूरी जो कॉपी है वो लिखवाई जाती है, मतलब पूरी तरह से पाक साफ तौर पे ये काम किया जाता है। आपको एक बात और बता दूं कि ये देखिए मेरे हाथ में जो है वो UGC ग्रांट कमीशन जो है UGC का एक लेटर है और UGC के ये लेटर है 23/8/2013 का। उन्होंने ये क्लाउज नंबर 3 और 4 जो है उन्होंने रवि हम देखेंगे ये, जरा रुकिए। नीरज सिंह JDU से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, क्या जवाब है इसका? देखिए, जो मामला संज्ञान में आया है, तथ्यों के साथ आया है, तो निश्चित रूप से ये गंभीर मामला है। कोई शिक्षा को व्यापार बनाने की कोशिश करेगा, ये माफिया जो लोग रहते हैं, तो ये संज्ञान में आया है, तो जो इसके तथ्य होंगे उस पर संज्ञान लिया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। पर सर, सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है और समझ से परे कि पॉश इलाके में चल रहा है, बड़े बड़े दफ्तर जहां पर है, सरकारी दफ्तर उससे चंद कदमों की दूरी पर चल रहा है, सेंटर्स खुले और एक दो नहीं है, सैकड़ों सेंटर्स ऐसे खुले हुए हैं, क्या पता ही नहीं चला सरकार को? मैं आपको जानकारी में देना चाहता हूँ, पटना विश्वविद्यालय के पटना कॉलेज जो सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज था उसके प्रिंसिपल थे लालकेश्वर सिंह, तिजरियों की फेहरिस्त थी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन बने, गड़बड़ किया तो जेल के अंदर आज बैठे हुए हैं ना, तो अब कौन व्यक्ति किस रूप में आजकल काम करता है ये बड़ा मुश्किल है। सरकार की जिम्मेवारी है कि अगर इस ढंग की कोई सूचना मीडिया ने लाया है तो सरकार कठोरतम कार्रवाई, केवल यह नहीं कि हम केवल उनको जेल भेजेंगे, ऐसे लोगों की संपत्ति को जब्त कर करके जो शिक्षा को व्यापार बनाने का दुस्साहस कर रहा है, ऐसे माफिया तंत्र पर कारगर हमला पहले भी किया है, अभी भी कर। नीरज जी रुकिए जरा, हमारे साथ 10 सालों से पूरा खेल चल रहा है। मनोज झा जुड़ चुके हैं RJD से। मनोज जी, ये जवाब है नीरज जी का, इस पर आप अपनी बात रख दीजिए। देखिए, मैं नीरज जी की बात पर बात रखूं या मैं जो आपने दिखाया और सुबह से जो हम देख रहे हैं उस पर मैं अपनी प्रतिक्रिया देना चाहूंगा। कोई भी सरकार चुनी जाती है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और लॉ एंड ऑर्डर को मकबूल रखने के लिए, महफूज रखने के लिए, उसमें भरोसा रखने के लिए, इन चारों मसलों पर
ये बिल्कुल असफल लोग साबित हो रहे हैं, क्योंकि सरकार का चरित्र अगर फर्जी हो जाता है, मैंडेट कुछ और था और मैंडेट बदल देते हैं। सर मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, मनोज जी माफी चाहूंगी, मैं आपको रोक रही हूँ। मेरे आप क्योंकि ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बात कही आपने, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार तीनों, और सरकार विफल रही आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन कुछ महीने पहले तक आप भी सहयोगी थे और ये जो पूरा खेल चल रहा है ना ये 10 सालों से चल रहा है। सर जवाबदेही फिर आपकी भी बनती है, सहयोगी आप भी रह चुके हैं। अगर आपने मुझे सवाल पूछा है ना तो 30 सेकंड मुझे सुन लीजिए, 10 वर्ष का हिसाब रख लीजिए कि कौन कहां सरकार में था और 10 वर्ष में हम कितने दिन सरकार में थे, ये भी जरा आंकड़ा लगा लीजिए और इसका संभव हो तो प्रतिशत निकाल लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। हम लगातार इस बात को कह रहे हैं, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था कितनी चरमरा गई है ये इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर से पूछ लीजिए, वो उसको दोष देंगे उसको पता कर लीजिए। अगर इस तरह के फर्जी डिग्रियां बांटी जा रही है तो बिना संरक्षण के ये संभव नहीं है। हम इतना सा सवाल अगर कर रहे हैं तो 10 साल के पूरे 10 साल पे हम ये सवाल कर रहे हैं, आप सिर्फ देख लीजिए कि 10 साल में कौन इन मसलों के लिए जिम्मेवार था, चाहे कोई भी मसला हो, इसमें आप उस दृष्टिकोण से देखिएगा तो आपको दूध का दूध पानी का पानी नजर आ जाएगा। नीरज जी, शिक्षा विभाग की तरफ से जो लोग निकाले गए थे क्या उनकी डिग्रियों को आपने रिकन्फर्म किया, क्या चेक हुआ? आज आप कह रहे हैं कि मामला सामने आया, संज्ञान में आया है, लेकिन पहले भी तो आप लोगों ने लोग निकाले, जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई? कितने लोगों की नौकरी गई है, जेल गए हैं लोग शिक्षक के मामले में, हमारे निर्वाचन क्षेत्र नवादा के जिला साहब टच कर लीजिए वहाँ के बीजे को, क्या स्थिति है, कितने लोग जेल गए, कितने लोगों को एफआईआर हुआ। और हम यह कह रहे हैं पहले ऐसे मामले हुए थे ना, हम राजनीति का एजेंडा नहीं चेक कर रहे हैं। माननीय जयप्रकाश यादव शिक्षा मंत्री थे इस बिहार के, कितनी घोटाला में जेल गए थे, आज सांसद हैं। और हमारे यहाँ कार्रवाई हुई, हमारे दल की विधायिका थी जेल के अंदर भेजे, उनके पति को जेल के अंदर भेजे, संपत्ति उनका जब्त कर रहे हैं, तो तंत्र को ठीक किया जाना ही। लेकिन सर 10 साल हो गए इस बात को, नीरज जी 10 साल हो गए, खेल चल रहा है, आसपास ही चल रहा है, पॉश एरियाज में चल रहा है, ये न्यूज 18 इंडिया खबर आपको दिखा रहा है, आप जाकर आप जवाब दे रहे हैं, उस पर भी शिक्षा मंत्री क्या जवाब देते हैं कि दूसरे राज्यों में ज्यादा होता है? नहीं, आप हमको बताइए, ऐसा कोई फुल प्रूफ सिस्टम है जिसमें की कोई सुधार की जरूरत नहीं? अगर सुधार की जरूरत नहीं रहती तो लोकपाल की बात क्यों उठता? एंटी करप्शन का तो कानून बना हुआ था, डीआरपीसी बना हुआ था, लेकिन मर्डर क्यों हो जाता है? अभी इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हो, पर कानून अपना काम करे और जो लोग ऐसे हैं वो कानून की जद में आएंगे तभी भय होगा जी। नहीं तो ऐसे लोग तो लगे रहते हैं इस कामों में जी जी जी। मेरा है कि आपने न्यूज चलाया, इसमें हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इसको संज्ञान में लाया। सरकार अगर अपनी जिम्मेवारी में विफल होगी आप हमारे ऊपर सवालिया निशान खड़ा करें। जी जी, सवालिया निशान तो खड़े हो रहे हैं और आप जिस तरीके से सफाई दे रहे हैं उससे लग रहा है साफ तौर पर आपकी भी सियासी मजबूरी है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से ये रैकेट चल रहा है। आप डिग्री लेने जाएं या कहें कि डिग्री खरीदने जब आप जाते हैं, जब आप कहते हैं कि हम डिग्री हमें चाहिए, तो किस तरीके से वो लेन देन होता है, जरा वो सुनिए। हम लोग यहाँ मैट्रिक इंटर से शुरू करते हैं, पीएचडी तक की कोर्सेज होती है। आप बताइए कि क्या करना चाह रहे हैं? क्या चाहते हैं आप? से हम डिप्लोमा में चाहते हैं, सिविल में। सिविल में मैट्रिक कब किए? मैट्रिक बहुत पहले किए हैं। डिग्री लेके क्या कीजिएगा आप लोग? ये है अरुणाचल प्रदेश में और एक है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर टेक्निकल। अच्छा, लेकिन बेस्ट इसमें सनराइज है। सनराइज कहाँ पे है? अलवर में है, राजस्थान में। अलवर बोलिए ना। अलवर हम लोग उतना दूर नहीं जा, अरुणाचल प्रदेश जा पाएंगे? वही आपको जाने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं जाने की जरूरत है, यहीं से सारा काम आपका हो जाएगा। अच्छा, ठीक है ना। ये चीजें आप सनराइज यूनिवर्सिटी से कीजिए, फीस इसकी है 1.25 लाख। सर प्रोसेस इसका बताते हैं ना? प्रोसेस ये है सर कि जिस दिन आप एडमिशन लीजिएगा, ठीक है ना, उसके बाद आप फीस जमा कीजिएगा, उसके बाद आपका काम हम लोग यूनिवर्सिटी में भेजेंगे, यूनिवर्सिटी से सब काम होगा, आपको मार्कशीट मिल जाएगा,
एग्जाम एग्जाम तो मतलब नहीं देना पड़ेगा, मैंने लिखना नहीं देना पड़ेगा, मतलब काम अभी जो कर रहे हैं कर सकते हैं ना, जो काम आप कर रहे हैं कीजिए। अच्छा अच्छा, आपको डिग्री मिलेगी उसका अपना लगा दीजिएगा, प्रमोशन हो जाएगा, मतलब बैक जज में भी मिल जाएगा। बैक जज में आपको बैक जज में मिल जाएगा ना, 13 से 16 13 से 16 या 14 से 17 80% एडवांस दीजिएगा, ठीक है ना, 20% काम होने के बाद। नीतीश कुमार के बिहार में फर्जी तरीके से असली डिग्री देने के खेल की प्रशासन को भनक क्यों नहीं लगी? क्या बिहार इंजीनियरिंग और पीएचडी जैसी डिग्रियों को मुंहमांगी कीमत पर बांटने वालों पर कब होगी कार्रवाई? और अपने राज्य से दूसरे राज्यों की दी जा रही असली डिग्री पर कैसे लगाम लगाएगी बिहार सरकार? मुद्दा गर्म है क्योंकि न्यूज 18 इंडिया के स्टिंग ऑपरेशन में इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें पैसे देकर आप कोई भी डिग्री आसानी से ले सकते हैं और वो भी बिना पढ़ाई किए, बिना परीक्षा दिए। और यही नहीं, सालों से इस तरह का धंधा चल रहा है, सालों में हासिल होने वाली डिग्रियां आप कुछ महीनों में हासिल कर सकते हैं। हद तो तब हो जाती है कि जब RTI के जरिए आप अपनी डिग्री को सही साबित कर सकते हैं और ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर इसे जांच भी सकते हैं। और खास बात ये कि ये डिग्रियां बिहार के बाहर यानी कि राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी की भी मिल जाती हैं। यानी कि फर्जी तरीके से असली डिग्री का खेल है ये। और न्यूज 18 इंडिया पर फर्जी तरीके से असली डिग्री देने का पर्दाफाश होने के बाद बिहार पुलिस हरकत में आई है। पटना में पुलिस की कई जगहों पर छापामारी हुई है और पटना के कई शिक्षण संस्थानों पर दबिश भी हो रही है। और रॉयल इंस्टीट्यूट जहां से फर्जीवाड़ा चल रहा था वहां पहुंचकर पटना पुलिस इंस्टीट्यूट के कागज खंगाल रही है। इन मोहर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ खेल यहाँ पे होता होगा। अभी खैर ये जांच का विषय है, जांच में पूरी बात सामने आएगी, लेकिन इतने सारे मोहर का मतलब क्या समझा जाए? 2001 बैच से लेके 2007, 2005 ये तमाम साल के यहाँ पे मोहर बने हुए हैं। जैसा कि हमने स्टिंग में खुलासा किया था कि जो हमारे सहयोगी थे उन्होंने पूछा था कि क्या बैक डेट में डिग्री मिल जाएगी, तो उन्होंने कहा था कि बैक डेट में डिग्री मिल जाएगी, यानी कि बैक डेट में डिग्री देने की भी पूरी कोशिश यहाँ पे की जाती है और दिया जाता है, जैसा कि स्ट्रिंग में खुलासा हुआ है। तो हम लगातार ETV के ऑपरेशन डी का खुलासा कर रहे हैं और ऑपरेशन डी के बाद पटना पुलिस हरकत में आई है और रॉयल इंस्टीट्यूट जो खाजपुरा में है वहाँ पर पहुँच कर एक एक चीज़ की जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है। और सबसे हैरानी की बात है कि बहुत सारे मोहर मिले हैं, लगभग 50 से ज़्यादा मोहर यहाँ पे हैं, दो पॉलीथीन में, एक पॉलीथीन इस वक्त आप जो देख रहे हैं जो पुलिस के जवान हैं उनके हाथ में और दूसरा पॉलीथीन इस वक्त जो हमारे हाथ में देख रहे हैं। तो ये ऑपरेशन डी का कमाल है कि पटना पुलिस को जानकारी मिली कि कैसे यहाँ पे अवैध धंधा किया जाता है, जाली डिग्रियाँ बांटी जाती है और उसे लेके इस जानकारी के खुलासे के बाद पटना पुलिस पहुँची है और एक एक चीज़ की जानकारी लेने की कोशिश कर रही है। तो जाहिर सी बात है बड़ा खुलासा ETV ने किया है ऑपरेशन डी के माध्यम से, जो हमारे सहयोगी हैं उन्होंने खुलासा किया है और उस खुलासे के असर ये हुआ है कि पटना की जो पुलिस है, एयरपोर्ट पुलिस, शास्त्रीनगर पुलिस कई जवान के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार छापेमारी का दौर चल रहा है। हम लोग यहाँ मैट्रिक इंटर से शुरू करते हैं, PhD तक की कोर्सेज होती है। आप बताइए कि क्या करना चाह रहे हैं? क्या चाहते हैं आप? से हम डिप्लोमा में चाहते हैं सिविल में। सिविल मैट्रिक कब किए? मैट्रिक बहुत पहले किए हम। तो ये डिग्री लेके क्या कीजिएगा आप लोग? प्राइवेट में जॉब करेंगे। प्राइवेट में जॉब कीजिएगा? ऐसा है तो प्राइवेट और कोई BA, MA, BCom, MCom सब होता है, मैट्रिक इंटर बीटेक भी करवाते हैं। हिमालयन यूनिवर्सिटी है। अच्छा, हिमालयन यूनिवर्सिटी ये है अरुणाचल प्रदेश में और एक है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर टेक्निकल। अच्छा अच्छा, लेकिन बेस्ट इसमें सनराइज है। सनराइज है कहाँ पे है? ये अलवर में है, राजस्थान में। अलवर बोलिए ना। अलवर हम लोग उतना दूर नहीं जा, अरुणाचल प्रदेश जा पाएंगे? वही ना, आपको जाने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं जाने की जरूरत है, यहीं से सारा काम आपका हो जाएगा। अच्छा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप सनराइज यूनिवर्सिटी से कीजिए। फीस इसकी है 1.25 लाख। सर प्रोसेस इसका बताते हैं ना। प्रोसेस ये है सर कि जिस दिन आप एडमिशन लीजिएगा, ठीक है ना, उसके बाद आप फीस जमा कीजिए, उसके बाद आपका काम हम लोग यूनिवर्सिटी में भेजेंगे, यूनिवर्सिटी से सब काम होगा, आपको मार्कशीट मिल जाएगा,
एग्जाम एग्जाम तो मतलब नहीं देना पड़ेगा, मैंने लिखना नहीं देना पड़ेगा, मतलब काम अभी जो कर रहे हैं कर सकते हैं ना, जो काम आप कर रहे हैं कीजिए। अच्छा अच्छा, आपको डिग्री मिलेगी उसका अपना लगा दीजिएगा, प्रमोशन हो जाएगा, मतलब बैक जेट में भी मिल जाएगा। बैक जेट में आपको बैक जेट में मिल जाएगा ना, 13 से 16 13 से 16 या 14 से 17 80% एडवांस दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, 20% काम होने के बाद। बहुत आसान है डिग्री हासिल करना, 80% एडवांस दीजिए, 20% बाद में दे दीजिए, घर बैठे बैठे आपको डिग्री मिल जाएगी, सारा पैसे का खेल है। और इस मामले में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला, ट्वीट करके उन्होंने हमला बोला है, क्या लिखा वो आपको बताते हैं। नीतीश सरकार में फर्जी डिग्रियों की मंडी है, आप 20,000 से लेकर 4,00,000 में ITI से लेकर इंजीनियरिंग डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिग्री, BA, BEd, MA, MCom, MBA तक की कोई भी ओरिजिनल डिग्री खरीद सकते हैं। ये तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके नीतीश सरकार पर हमला बोला है। रवि एस नारायण हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ। रवि, हमारी खबर का असर हुआ और अब छापामारी लगातार जारी है। जी बिल्कुल, खबर का असर हुआ है और पटना जो पुलिस महकमा है वो अभी जागी है और लगातार जो है वो रेड कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जो अपना नेटवर्क 18 है वो अपनी बखूबी अपना फ़र्ज निभाता है, उन्होंने अपना फ़र्ज निभाया है। और सबसे बड़ी बात है कि एक दो जगह हमने एक सैंपल के तौर पर दिखाया है और जो खुलासा हमने किया है, सबसे बड़ी बात है कि पटना में जितने सेंटर्स हैं, सैकड़ों के संख्या में सेंटर है, ये पुलिस महकमे को चाहिए कि एक दो सेंटर पे ये सिर्फ कार्रवाई करके ये पूरा ख़त्म होने वाला नहीं है। जिस ढंग से पूरी मंडी और जिस ढंग से पूरा जो बाज़ार सजा हुआ है, उसके बाद जो है ये पुलिस महकमे को चाहिए कि एक बड़ा लगातार जो है इस ढंग से ऑपरेशन चलाया जाए, तब जाकर के ये बात खत्म होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि देख, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे सरकारी महकमे में बैठने वाले जो लोग हैं, जो राजनेता हैं, जो सत्ता में हैं, उनके राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूर होनी चाहिए कि बिहार में अगर सिर्फ आप चप्पल खुलवा करके आप सोचते हैं कि नकल खत्म कर दी जाएगी, तो आपके सामने ये उदाहरण भी सामने दिखाई पड़ता है। नहीं, ये तो मार्केट में चर्चा इसकी होती है इस तरह की डिग्री की, लेकिन बिहार में से ज़्यादा ये दूसरे प्रदेशों में ज़्यादा चल रहा है। आपने बताया हमको और हमने देखा भी उसको, तो आज हम ऑफिस जाते हैं, प्रधान सचिव को बुला करके सारी बात उनसे डिस्कस करते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को, चूँकि बिहार में अब ये सब चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त करने की चीज़ नहीं है और बिहार में बिल्कुल सर, लेकिन एक सवाल ये है, कहीं पर किसी स्टेट में हो, किसी स्टेट में हो, बिहार के आप शिक्षा मंत्री हैं, आप यहाँ पे चल रहे हैं, बिल्कुल विवेक, किसी भी स्टेट में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन ये पटना में ये खेल हो रहा है और ETV लगातार इस खेल का खुलासा कर रहा है, और अब बिहार का शिक्षा मंत्री अगर आप ये कहेंगे दूसरे स्टेट में चल रहा है या इसलिए यहाँ भी चले, कोई बात नहीं, नहीं दूसरे स्टेट में इस तरह की संस्थाएं ज़्यादा चल रही हैं, लेकिन सर ये खुलासा तो बिहार सर्टिफिकेट का इस्तेमाल तो यहाँ होता है, बिल्कुल, तो इसलिए हम इस पर आज इस बात को बहुत गंभीरता से हमने लिया है, अधिकारियों के साथ हम बैठक करके और तुरंत इस पर कोई ना कोई कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं और कार्रवाई होगी, हम आपको आश्वस्त करते हैं। नीरज सिंह JDU से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नीरज जी क्या जवाब है इसका? देखिए, जो मामला संज्ञान में आया है, तथ्यों के साथ आया है, निश्चित रूप से ये गंभीर मामला है। कोई शिक्षा को व्यापार बनाने की कोशिश करेगा, ये माफिया जो लोग रहते हैं, तो ये संज्ञान में आया है, तो जो इसके तथ्य होंगे उस पर संज्ञान लिया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। पर सर, सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है और समझ से परे कि पौश इलाके में चल रहा है, बड़े बड़े दफ्तर जहां पर है, सरकारी दफ्तर उससे चंद कदमों की दूरी पर चल रहा है, सेंटर्स खुले और एक दो नहीं है, सैकड़ों सेंटर्स ऐसे खुले हुए हैं, क्या पता ही नहीं चला सरकार को? नहीं, मैं आपको जानकारी में देना चाहता हूं, पटना विश्वविद्यालय के पटना कॉलेज जो सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज था, उसके प्रिंसिपल थे लालकेश्वर सिंह, टीजरियों की फेहरिस्त थी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन बने, गड़बड़ किया तो जेल के अंदर आज बैठे हुए हैं ना, तो अब कौन व्यक्ति किस रूप में आजकल काम करता है ये बड़ा मुश्किल है। सरकार की जिम्मेवारी है कि अगर इस ढंग की कोई सूचना मीडिया ने लाया है तो सरकार कठोरतम कार्रवाई, केवल यह नहीं कि हम केवल उनको जेल भेजेंगे, ऐसे लोगों की संपत्ति को जब्त कर करके जो शिक्षा को व्यापार बनाने
का दुस्साहस कर रहा है, ऐसे माफिया तंत्र पर कारगर हमला पहले भी किया है, अभी भी कर। नीरज जी रुकिए जरा हमारे साथ, 10 सालों से पूरा खेल चल रहा है। मनोज झा जुड़ चुके हैं आरजेडी से। मनोज जी, ये जवाब है नीरज जी का, इस पर आप अपनी बात रख दीजिए। देखिए, मैं नीरज जी की बात पर बात रखूं या मैं जो आपने दिखाया और सुबह से जो हम देख रहे हैं उस पर मैं अपनी प्रतिक्रिया देना चाहूंगा। कोई भी सरकार चुनी जाती है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और लॉ एंड ऑर्डर को मकबूल रखने के लिए, महफूज रखने के लिए, उसमें भरोसा रखने के लिए। इन चारों मसलों पर ये बिल्कुल असफल लोग साबित हो रहे हैं, क्योंकि सरकार का चरित्र अगर फर्जी हो जाता है, मैंडेट कुछ और था और मैंडेट बदल देते सर, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। मनोज जी माफी चाहूंगी, मैं आपको रोक रही हूँ। नहीं, मेरे आप क्योंकि ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बात कही आपने, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तीनों, और सरकार विफल रही, आप ये बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ महीने पहले तक आप भी सहयोगी थे और ये जो पूरा खेल चल रहा है ना, ये 10 सालों से चल रहा है सर। जवाबदेही फिर आपकी भी बनती है, सहयोगी आप भी रह चुके हैं। अगर आपने मुझे सवाल पूछा है ना, तो 30 सेकंड मुझे सुन लीजिए, 10 वर्ष का हिसाब रख लीजिए कि कौन कहां सरकार में था और 10 वर्ष में हम कितने दिन सरकार में थे, ये भी जरा आंकड़ा लगा लीजिए और इसका संभव हो तो प्रतिशत निकाल लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। हम लगातार इस बात को कह रहे हैं, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था कितनी चरमरा गई है, ये इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर से पूछ लीजिए, वो उसको दोष देंगे, उसको पता कर लीजिए। अगर इस तरह के फर्जी डिग्रियां बांटी जा रही है तो बिना संरक्षण के ये संभव नहीं है। हम इतना सा सवाल अगर कर रहे हैं तो 10 साल के, पूरे 10 साल पे हम ये सवाल कर रहे हैं। आप सिर्फ देख लीजिए कि 10 साल में कौन इन मसलों के लिए जिम्मेवार था, चाहे कोई भी मसला हो, इसमें आप उस दृष्टिकोण से देखिएगा तो आपको दूध का दूध पानी का पानी नजर आ जाएगा। नीरज जी, शिक्षा विभाग की तरफ से जो लोग निकाले गए थे, क्या उनकी डिग्रियों को आपने रिकन्फर्म किया, क्या चेक हुआ? आज आप कह रहे हैं कि मामला सामने आया है, संज्ञान में आया है, लेकिन पहले भी तो आप लोगों ने लोग निकाले, जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई? कितने लोगों की नौकरी गई है, जेल गए हैं लोग शिक्षक के मामले में? हमारे निर्वाचन क्षेत्र नवादा का जिला साहब पैसकर भी जमा कर दीजिए तो क्या स्थिति है, कितने लोग जेल गए, कितने लोगों पर एफआईआर हुआ? और हम यह कह रहे हैं, पहले ऐसे मामले हुए थे ना, हम लोग राजनीति का एजेंडा नहीं कर रहे हैं। माननीय जयप्रकाश यादव शिक्षा मंत्री थे इस बिहार के, कितनी घोटाला में जेल गए थे, आज सांसद हैं। और हमारे यहाँ कार्रवाई हुई, हमारे दल की विधायिका की जेल के अंदर भेजे, उनके पति को जेल के अंदर भेजे, संपत्ति उनका जब्त कर रहे हैं, तो तंत्र को ठीक किया जाना ही। लेकिन सर 10 साल हो गए इस बात को, नीरज जी 10 साल हो गए, खेल चल रहा है, आसपास ही चल रहा है, पॉश एरियाज में चल रहा है, ये न्यूज 18 इंडिया खबर आपको दिखा रहा है, आप जाकर आप जवाब दे रहे हैं, उस पर भी शिक्षा मंत्री क्या जवाब देते हैं कि दूसरे राज्यों में ज्यादा होता है? नहीं, आप हमको बताइए, ऐसा कोई फुल प्रूफ सिस्टम है जिसमें की कोई सुधार की जरूरत नहीं? अगर सुधार की जरूरत नहीं रहती तो लोकपाल की बात क्यों उठता? एंटी करप्शन का तो कानून बना हुआ था, डीआरपीसी बना हुआ था, लेकिन मर्डर क्यों हो जाता है? भी इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हो, पर कानून अपना काम करे, और जो लोग ऐसे हैं वो कानून की जद में आएंगे तभी भय होगा जी। नहीं तो ऐसे लोग तो लगे रहते हैं इस कामों में। जी जी जी, मेरा है कि आपने न्यूज चलाया, इसमें हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इसको संज्ञान में लाया। सरकार अगर अपनी जिम्मेदारी में विफल होगी, आप हमारे ऊपर सवालिया निशान खड़ा। ये तो आप ही है ना? पता नहीं सर, अब वीडियोस का मुझे पता नहीं। नहीं नहीं, ये तो आप ही दिख रहा है ना सर, वीडियोस का कुछ नहीं बता सकते। इसमें तो आप साफ साफ बता रहे हैं ना कि पैसे दे देंगे सर, उसके मैं बाद कुछ साफ नहीं बता सकता हूँ वीडियोस के बारे में। वीडियोस के बारे में कुछ नहीं बता सकते। आपका मार्कशीट मिल जाएगा, आपको कहीं जाने के एग्जाम भी नहीं देना पड़ेगा, ये तमाम नहीं पता है सर, ये कहाँ से आया है, क्या है, आई डोंट नो। नहीं, ये तो दिख रहे हैं आप? नहीं सर, मुझे देखिए, गौर से देखिए, इसमें दिख रहे हैं आप, और आप बता भी रहे हैं कि पैसे देने की जरूरत, पैसे दे दीजिए, कहीं जाने की जरूरत, बैक डेट में भी मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, रिपोर्टर भी, अब ये पता नहीं सर कौन आदमी स्टिंग करता है, क्या करता है, क्या पूछता है, ये हमको क्या पता? नहीं तो इसमें तो आप साफ साफ कहते दिख रहे हैं ना कि पैसे, ये पता कहाँ चल रहा है कि मैं हूँ, कौन है, क्या है? अच्छा, ये पता नहीं चल रहा है आपको? नहीं सर, ये आप नहीं है, कहाँ पता चल रहा है सर? चेहरे तो जांच की बात है, तो क्लियर ही नहीं है सर। खैर, वो तो बाद में पता चल जाएगा, लेकिन इसमें आप साफ साफ कहते दिख रहे हैं कि अच्छा, आपके यहाँ से कैसे डिग्री ऐसा ही दे दिया जाता है? नहीं सर, हमारा देखिए आप, यहाँ पे हम लोग ऑथोराइज स्टडी सेंटर है। इसमें सर आपने बताया कि आप ये medical... तो गलत बात है सर ना, ये गलत बात है जी सर, मतलब ये जो स्टिंग हुआ वो गलत है। अब ये मुझे क्या पता सर, इसके बारे में आप इतना क्यों पूछ रहे हैं, मुझे क्या पता? ये तो सर मुझे नहीं पता इसके बारे में, मैं आपसे एक बार क्या 100 बार बोल रहा हूँ, आई डोंट नो अबाउट दिस।
तो ऐसे तो कहा जाता है ना जी की तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, अब तो इसमें सब कुछ दिख रहा है क्या? पता नहीं तस्वीरें क्या क्या बोलती है आजकल दुनिया में, तो एक से एक टेक्नोलॉजी है। अच्छा, टेक्नोलॉजी का खेल हो गया। पता नहीं सर, अब मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ ना इस बात पे। पैसा दो और डिग्री ले जाओ, कॉलेज जाने की टेंशन नहीं, नोट्स बनाने की टेंशन नहीं, पढ़ाई करने की टेंशन नहीं, बस पैसा दीजिए और आपको डिग्री मिल जाएगी। 1 लाख से शुरू होती है ये डिग्रियां और फिर उसके बाद जो जिस भी तरह की आपको डिग्री चाहिए, हर डिग्री का अलग अलग रेट है। घर बैठे बैठे ये डिग्री मिलेगी। प्रमोशन चाहते हैं तो ले जाइए कोई भी डिग्री और दीजिए और फिर पाइए अपना प्रमोशन। इस तरीके का धंधा सालों से, 10 सालों से ये धंधा चल रहा है। हालांकि खुलासा बिहार से हुआ है लेकिन तार सीधे सीधे अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान से भी जुड़ते जा रहे हैं। सवाल तमाम है कि क्या इसमें कोई बड़ा अधिकारी भी शामिल है और इसके पीछे, इतने बड़े रैकेट के पीछे कौन कौन लोग हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले हफ्ते सामान ढोने वाली कंपनी अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के 2 मोबाइल ऐप्स को लॉन्च किया। APML साथी और APML सुविधा नाम के इन ऐप्स का मकसद पूर्व सैनिकों को रोजगार के नए अवसर देना है। अग्रवाल पैकर्स और मूवर्स का दावा है कि इस पहल के जरिए करीब 15,000 पूर्व